डॉक्टरों का फिर से जो है कि सरकारीकरण होना चाहिए और सरकारी भर्ती होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी इसके लिए संघर्ष कर रही है मेरे साथियों। आज हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में दो विधायक हैं, एक हमारी विधायक का बहन इंदु बंजारे जी पामगढ़ से और एक हमारे विधायक हैं जयपुर के भाई केशव चंद्रा जी। ये दोनों विधायक आप लोगों से संबंधित गरीब किसान मजदूर और नौकरी पेशा लोगों से हर मुद्दे को विधानसभा में उठाने का काम जोर शोर से करते हैं और आगे भी हम लोग आपकी लड़ाई को विधानसभा के मानसून सत्र में निश्चित रूप से उठाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में अगर बहुजन समाज पार्टी को आप लोग सरकार बनाने का मौका देते हो तो आप लोगों की समस्याएं एक महीने के अंदर पूरी कर दी जाएंगी। बहुजन समाज पार्टी का ये वादा है। बहुजन समाज पार्टी बोलने में नहीं करने में विश्वास करती है। आप लोगों ने 2007 से लेकर के 2012 तक माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो सरकार था उसका आप लोग कामकाज को इंटरनेट में सर्च करके देख लीजिए। बहुजन समाज पार्टी बोलने में नहीं करने में विश्वास करती है और बहुजन समाज पार्टी आप लोगों के जैसे ही गरीब किसान मजदूर लोगों की पार्टी है और इन्हीं के साथ सहयोग से हमारी पार्टी का संचालन होता है। हम लोग कोई अडानी अंबानी जैसे सेठ लोगों से चंदा लेने का काम नहीं करते हैं। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जितना खर्चा आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के कोने कोने से गाड़ी किराया करके आए हो और जितना खर्चा लगा है टेंट लगाने में हर चीज में, उसी खर्चा से उसी पैसा को आप लोग अपना विधायक बनाने में खर्चा कर दो, आपका विधायक आपका गुलामी करेगा। और बहुजन समाज पार्टी ये कहना चाहती है वोट नोट सपोर्ट तीनों चीज अगर बहुजन समाज पार्टी को आप लोग देते हो तो बहुजन समाज पार्टी आप लोग जैसा बोलोगे वैसा काम करेगी। आप लोगों के इशारे पे हमारा विधायक चलेगा बशर्ते हम लोगों को वोट नोट सपोर्ट बहुजन समाज पार्टी जैसे ये गरीब लाचार कमजोर लोगों की पार्टी को जिताने के लिए लगाने का क्या जरूरत करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से अपील करता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग अपने मताधिकार का सदुपयोग करोगे और एक कांग्रेस और बीजेपी जैसी पूंजीवादी पार्टियों को उखाड़ फेंकने का काम करोगे और गरीब की सत्ता लाने का काम करोगे तो आप लोग की समस्याएं निश्चित रूप से एक झटके में पूरा होगा, ऐसा आशा विश्वास करता हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मंच दिया, बोलने के लिए समय दिया, मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करके अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। चलिए।